देखा सुमह कितने गुस्से से गया यहाँ से। हर बने बनाए काम को बिगाड़ने की तो तूने कसम खा रखी है। अरे कितने प्यार से वो ड्रेस लाया था तेरे लिए, पर नहीं मैंने नहीं पहनी। अरे जब उसे पसंद है तो तू क्यों बहस करती है? पर मम्मी मेरी बात चुप कर। जब देखो नया ड्रामा। सुमह ठीक कह रहा था कि कमी किसी और में नहीं तुझ में है, कि तू किसी के भी आगे झुकना ही नहीं चाहती। पर मम्मी जो कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने वो अब सबके सामने कैसे पहन लूं? ठीक है मत पहन, बिल्कुल मत पहन। तू जीती मैं हारी, ठीक है खुश। हाय रब्बा कैसे समझाऊं तुझे, क्या करूं मैं? जब मैं ना रहूं ना तो जो दिल में आए करना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना रब तबाजता है मुझे ना चैन से जीने दे। ओए अब केड़ा नया स्यापा पै गया है, अब कौन सा ड्रामा शुरू कर दिया तूने? बीजी मैंने कोई नया ड्रामा शुरू नहीं किया, सारा ड्रामा ना आपकी ये लाडली पोती ने शुरू किया है। पूछो इससे, सुमेर आया था सिकाई के लिए नई ड्रेस लेके, डिजाइनर ड्रेस, इसकी सास ने खुद पसंद की सी, पर आपकी लाडली ने पहनने से इनकार कर दिया। अरे कैसे कैसे करके इसको पहले बोला पहन के आई, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा दुपट्टा ले लेता। आप ही बताओ कोई ड्रेस के ऊपर ये दुपट्टा डालता है क्या? बताओ जरा, अगर बात बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे बीजी? मुझे तो लगता है जब तक इसकी यहाँ से टोली नहीं चली जाती ना मेरी गर्दन सूली पे लटकी रहेगी। हाय हाय भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपकी दिल की हालत समझ सकती हूँ। मेरा पुत्र देख, अब तू ना मीरा ढिंगरा से मीरा कपूर होने जा रही है, अपने नाम के साथ साथ और भी बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अब हमें देख ले, जब हम शादी करके यहाँ आए थे ना हमने अपने आप को कितना बदला, क्यों भाभी? माँ ने तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, पर यहाँ आके बीजी की हर डांट को बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों बीजी, कभी शिकायत की आपसे? नहीं ना। ज्यादा चतुर ना बन, ये जो घुमा फिरा के मुझे बातें सुना रही है ना सब समझ में आ रही है मेरी। जा जाके डॉली के लिए पानी लेके आ। और तू कुड़िए चल जा अपने कमरे में, चल चल शाबाश। वो ड्रेस को ठीक तरीके से फोल्ड करना, बड़ी महंगी ड्रेस भेजी है तेरी सास ने। बीजी आप ही समझाओ इस कुड़ी को, मैं तो नहीं समझा सकती। ओफो ओ भाई बस भी कर अब है, तू ना जरा ठंड रख, मैं समझा दूंगी उसे। हाँ भाभी साथ ही रखो, हेलो पानी पी लो। पानी पी के क्यों होएगा, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मीरा की शादी ना अच्छी तरीके से हो जाए, फिर मैं नंगे पाँव चिंतपूर्णी जाऊंगी। माता माता की चिंता को दूर कर। भाभी ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लोगी। ताई जी, मीरा दी। हाँ ताई जी, ताऊ जी की दवाई लेकर आइए जल्दी। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू। अब आराम से बैठो, दवाई। हेलो जी दवाई। ठीक हो जाएगा जी। क्या बात जी, किस बात की चिंता है आपको? हाँ भाभी, भाभी इधर आओ।
इधर आ। पापा जी ठीक हो ना? क्या हुआ? वो बिट्टू जी कह रहे थे कि भाई साहब ने रिंग वाली बात को लेकर बहुत टेंशन ले ली है, दिल पे लगा लिया है तो। हाय रब्बा, इस पे टेंशन लेने की क्या बात है जी? जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो क्या उनकी लड़कियों की शादी नहीं होती? वैसे भी वो जो भी कुछ कर रहे हैं तो अपनी बहू के लिए कर रहे हैं ना, तो इस पे टेंशन लेने की क्या बात है? बताओ जरा। शायद भाई साहब को लगता है कि हमारे पैसों की कमी की वजह से मीरा के ससुराल वाले मीरा को शादी के बाद ताने न मारे। हाय हाय, क्यों ताने देंगे इसे? उन लोगों ने कभी कोई हमसे डिमांड की नहीं ना? हमारे जैसे भी हालात है उन्हें पसंद है ना, और हमारी मीरा जैसी है उन्हें पसंद है, बस बात खत्म हो गई। वो क्यों कुछ हमारी कुड़ी को कहेंगे? आप इतनी चिंता मत किया करो। ठीक हूँ मैं। पर तुझे क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुझे? कोई बोलेगा क्या हुआ इसे? ओ जी, वो गाउन की बात है, वो गाउन को लेकर इसका मूड ना। गाउन? कौन सा गाउन? अरे पापा कुछ नहीं, वो थोड़ी देर पहले सुमेर आए थे तो एक गाउन लेके गए हैं। वो कहते कि सगाई पे बस वही पहनना, बहुत सुंदर ड्रेस है पापा, बिल्कुल मेरी पसंद की। आपको पता है जब मैं वो पहनूंगी ना, आप देखना पूरी सगाई में सब मुझे ही देख रहे होंगे, एकदम अलग। I don't understand, तुम इस कंगन को लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रही? इशू मैं नहीं, आप क्रिएट कर रहे हो भाई, जवाब नहीं देकर। What are you trying to hide from me? कुछ नहीं छुपा रहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही? It's just that I feel कि अगर मॉम होती तो वो कंगन पे। तुम इस कंगन को लेके और इमोशनल नहीं होगी, that's it. नहीं भाई, कुछ तो जरूर है। इसे पहन के मुझे ऐसा लगता है as if मॉम मेरे साथ ही है। अपने कमरे में जाओ और गो गेट सम रेस्ट, ओके? चल। झूठ, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो है ना? आपके पास मॉम की निशानी थी, आपने मुझसे क्यों छिपाई? आपने क्यों इसे मुझे नहीं दे दिया? मैं इसको संभाल के रखती, कम से कम मेरे अकेलापन थोड़ा तो दूर होता। हम भी मॉम को उतना ही मिस करते हो ना जितना कि मैं, लेकिन आप वो जताना नहीं चाहते। सौलत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो, सो डोंट टॉक अबाउट हर। लेना देना है भाई, क्योंकि जन्म दिया है उन्होंने आपको। सिर्फ जन्म दिया है हमें और कुछ नहीं किया। किया क्या? मां होने का फर्ज निभाया क्या सौलत ने? नफरत करता हूं मैं उससे। No, you don't. अगर आप मॉम से नफरत करते तो उनका कंगन आपके पास नहीं होता। मैं मानती हूँ कि मॉम को लेके हम दोनों की सोच अलग है। मेरी सोच में प्यार है, आपकी सोच में नफरत है, लेकिन भाई आप क्यों सारा दर्द खुद झेल लेते हो? क्यों अपना दर्द कभी मेरे साथ शेयर नहीं करते? पर मैं अपना दर्द तुम्हारे साथ बांट के मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता। तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारी सैडनेस, ये नहीं देखी जाती मेरे से। वैसे भी आई प्रॉमिस यू, जिस काम के लिए हम इंडिया आए थे वो तो मैं जल्दी पूरा कर ही लूंगा।
मुझसे एक बात प्रॉमिस करो भाई, जिस दिन आपको सच का पता लगेगा सबसे पहले आप आके मुझे बताओगे। आंखों में आंसू लेके प्रॉमिस मांगूंगी तो तुम्हारा कैसे कर सकता हूं? अब ये रख लो, मॉम के पास पहुंचने का ये लास्ट क्लू है आपके पास। द बेस्ट। फरमाया सेख, मुझे सौरत के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। सेम टू सेम कंगन इसी घर में मीरा के पास भी है, कुछ तो कनेक्शन है। हो सकता है दूसरा कंगन भी उस औरत का ही हो, पर डैड ने तो बोला था कि वो सिर्फ एक ही बार इस घर में आए थे, वो भी शादी से पहले, तो वो कंगन ओनो। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड से रिश्ता तोड़ने के बाद वो औरत यहाँ आई हो? अगर ऐसा हुआ है तो पुरानी बातों के जवाब ढूंढने की शुरुआत मुझे इस घर से ही करनी होगी। पहले इतनी महंगी अंगूठी और अब इतनी महंगी ड्रेस। मीरा बहुत खुश लग रही थी, पर मेरे दिल पर बोझ पड़ता जा रहा है। मैं अपनी बेटी को वो सब नहीं दे पा रहा जो एक बाप होने के नाते मुझे उसे और उसके ससुराल वालों को देना चाहिए। ओ पुत्र, तू तो उनको अपनी सबसे कीमती चीज दे रहा है, अपनी बेटी मीरा, अपने जिगर का टुकड़ा। इससे कीमती चीज तो उन्हें क्या दे सकता है पुत्र? और वैसे भी देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का नीचे। आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा था? माँ हूँ तेरी, तेरा चेहरा देख के तेरे दिल का हाल जान लेती हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। पुत्र, वो अपनी होने वाली बहू को अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे और तू अपनी जेब के मुताबिक। पुत्र, तू रिश्ता जोड़, मुकाबला ना कर। बात मुकाबले की नहीं है बीजी, मुझे ये सोच कर घबराहट हो रही है कि कहीं हमारी कमियों के कारण बाद में मीरा को ताने ना सुनने पड़ जाए। अरे कैसी कमी हुई? हम संस्कारी लोग हैं, अपनी मीरा को संस्कारों से ओत प्रोत करके सजा के भेजेंगे। ये बात सुनने में अच्छी लगती है बीजी, लेकिन आप तो जानती है ना कि बेटी वालों का सिर हमेशा झुका ही रहता है। तो बेटों को कौन से सुरखाब के पर लगे होते हैं पुत्र? हैं? वो ये बेटियां ही हैं जिनसे दुनिया चलती है। बेटियां ही बहुएं बनके ना बेटे जनती हैं जिनके सर पे ये बेटे वाले इतना इतराते हैं। वो चाहते हैं ना कि उनकी बेटियों की दूसरे घर जाके कदर हो, तो पहले वो अपनी बेटियों की अपने घर में कदर करना सीखे ना। पुत्र, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है और अपने बच्चे की अच्छी किस्मत से डरते नहीं है, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं कि रब उन पे अपनी नजर सवली बनाए रखे। एक बात और बताऊं, ऐ फालतू की टेंशनें ना लिया कर, देखना रब सब पले करेंगे। ठीक है पुत्र। चंगा बीजी। मामा, आई विश आप यहाँ होती और यहाँ का ना सारा ड्रामा देखती। आज पता क्या हुआ? मीरा ने ना अपना दुपट्टा उतारने से मना कर दिया। फिर क्या था, डॉली मामी का तो मेरा ड्रामा शुरू हो गया। और तो और मामा जी को तो एंजाइटी अटैक भी आ गया था। ये लो जी। वहाँ तो सारे लोग अपनी ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अपना ही नहीं ड्रामा खत्म हो रहा उनका। तेरे और विवान के बारे में क्या सोचेंगे वो लोग? कर तो रही हूँ मम्मी ट्राई, अब उस विवान में इतना एटीट्यूड है, मैं क्या करूँ? चुप कर, एटीट्यूड ही इतना है। अरे तूने सीखा क्या है सोनी गुड़ी में? जितना कुछ सीखा है ना, सारे पैतरे आजमा ले, सारी कोशिशें कर ले, मुझे एकदम फर्स्ट क्लास वाला रिजल्ट चाहिए, समझी? कोशिश करती रही हूँ। हार ना नहीं, लाली की बेटी है तो लाली की, समझी? ठीक है। Now I understand कि तुम्हें आज तक किसी लड़के ने पसंद क्यों नहीं की। कमियां किसी और में नहीं, तुम में।
गुस्से से गए यहाँ से। तूने तो बस बड़े बनाए काम को बिगाड़ने की कसम खा रखी है। मुझे तो लगता है कि तेरी डोली से पहले इस कार से ना कहीं मुझे ही ना कुछ हो जाए। सारे आंसू आज ही बहा लेगी तो विदाई वाले दिन क्या करेगी? मीरा ना पुत्र ना ना रोती नहीं ऐसे रोती है भला ना। बस कर चुप हो जा और मुझे बता कौन सी बात परेशान कर रही है तुझे? वो बता अपनी बीजी को, हो सकता है मेरे पास उसका कोई तोड़ हो। बता। शाबाश बीजी, जब सुमेर ने मुझे ऐसे ही पसंद किया तो अब मुझे क्यों बदलना चाहता है? बस इतनी सी बात है? चली ना होवे तो। इधर देख मेरी तरफ देख, तेरी ना एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है और जब रिश्ते जुड़ते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो बदलना ही पड़ता, और जिंदगी का तो दूसरा नाम ही बदलाव है। और अगर इन बदलाव को मजबूरी समझकर नहीं मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया जाए ना तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, सब आसान हो जाता है। और तू तो मेरी वैसे ही बड़ी सियानी बच्ची है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब ठीक होगा। पर बीजी, सुमेर और मम्मी दोनों मुझसे बहुत नाराज है। अपनी मम्मी का स्वभाव तो तू जानती है, वो फिलहाल की कड़ी उसे रहने दे, कल सुबह उसे समझा लेना। माँ बेटी की लड़ाई भी कोई लड़ाई होती है, है? पर बीजी, पापा जी की भी तो टेंशन है ना। ओए, उसकी तो ना बचपन से ही आदत है हर छोटी बड़ी बात की टेंशन ना दिल से लगा के रखने की, तो उसे मैं संभाल लूंगी। है, तू बस एक काम कर, जरा सा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा थोड़ा सा। ओ पुत्र, जिंदगी में हमेशा ना मुस्कुराते रहना चाहिए और रब का मुस्कुराते हुए शुक्राना अदा करना चाहिए। शाबाश शाबाश। बहुत सालों के बाद इस घर से एक और डोली निकलने का वक्त आ गया। सब अच्छे से हो जाए प्रभा, मीरा खुशी खुशी अपने घर की हो जाए, इस आंगन की इस घर की इज्जत बनाए रखना। ये घर में सबसे सीनियर है, जो मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में शायद इन्हें कुछ पता हो। विवाह पुत्र जी, आप सुबह सुबह यहाँ, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, वो क्या बात है पुत्र जी, मुझे तो लग रहा है कि आपके दिल में जो बात है वो आप जुबान पर नहीं ला पा रहे। बता दो पुत्र जी। थैंक्स, आपने और आपकी पूरी फैमिली ने इस घर का इतना ख्याल रखा। थैंक यू वाली कोई बात नहीं, आओ बैठो ना पुत्र, आप बैठो बैठो। आप ना मुझे 5 मिनट दो, मैं फटाफट चाय बना के। नहीं, आप बैठिए प्लीज, जस्ट सिट। मैं और अमाया पहली बार इंडिया आए हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी देखभाल की, आप लोगों ने हमारा ख्याल रखा, यू गाइस टुक लॉट ऑफ केयर ऑफ अस, सो थैंक्स। भाई हम तो ऐसे ही है, पंजाबी है ना, खुले डुले दिल के है। पर आप तो पंजाबी हो के भी विदेश में जाके ना आधे अंग्रेज हो गए हो। भाई मैं तो कहती हूँ आप भी अमाया की तरह ना सबसे मिला जुला करो, अच्छा लगेगा आपको भी। हाँ, मेरे से पहले
घर में मेरा कोई और फैमिली मेंबर कभी कोई यहाँ पे आया है? आपसे पहले हाँ, आपके पिताजी आए थे एक बार। अकेले आए थे? हाँ हाँ, अपनी शादी से पहले। उसके बाद कभी कोई नहीं आया, पर हमने सोचा भी कोई आए या ना आए, हम तो अपनी जिम्मेदारी ना बड़ी खूबी से निभाएंगे। वो औरत यहाँ नहीं आई तो वो कंगन इस घर में कैसे आया? नहीं, कुछ तो लिंक है और मैं वो पता करके ही रहूंगा। मैं तो जी बोले जा रही हूँ, पर लग रहा है कि आप सुन नहीं रहे हो, कहीं और ही खोए हुए हो आप। ऑफिस, एक्चुअली ऑफिस लंदन में है तो सारा काम फोन पे करना पड़ता है, तो कॉल्स के बारे में सोच रहा था। मैं कॉल्स करता हूँ एंड I'll see you soon. हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। अब पुत्र जी, मीरा की शादी है, आप भी ना अलग अलग फंक्शन में जरूर शिरकत करना जी, हमें बहुत अच्छा लगेगा जी।